पिंक सिटी में पानी की समस्या को लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी ने आज दूसरे दिन भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर पानी को लेकर राजधानी की सड़कों पर सियासी घमासान अब खूब दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्यासी जनता करे पुकार, प्यासी जनता करे पुकार। पानी पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, पिंक सिटी में पानी पर प्रोटेस्ट। जलदाय विभाग के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भीषण गर्मी से मरुधरा तप रही है तो पानी की किल्लत ने हलक सुखा दिया है। घर में टोटी और टंकियां जवाब दे गई हैं। पानी की प्रॉब्लम सूबे के हर हिस्से में मुंह बाए खड़ी है। गर्मी में पानी की कमी ने सियासत में भी उबाल ला दिया। एक तरफ गहलोत सरकार विधानसभा सत्र में विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन सांगानेर और सिविल लाइन्स के बाद परकोटे तक जा पहुंचा। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में नाहरगढ़ रोड से मिस्त्री खाना स्थित जलदाय विभाग के दफ्तर तक बीजेपी ने मार्च किया। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा कार्यकर्ताओं के साथ रहे। बोहरा ने कहा, सरकार के पास बजट की अगर कमी है तो सभी 25 सांसदों से सरकार पेयजल के लिए पैसा ले सकती है। मैंने अभी बाहर भी कहा है और अभी आपके सामने भी कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो मेरे से आज ही आ जाएं और कहाँ कहाँ हैंडपंप खोलने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, मेरे सांसद को उसका पैसा मैं आज ही देने के लिए तैयार हूँ ताकि जनता को पानी प्राथमिकता के आधार पर पानी मिल सके। बीजेपी के जयपुर शहर अध्यक्ष ने कहा, पहले तीसरी मंजिल तक पानी आता था लेकिन अब तो ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं पहुंचता। इधर पानी पर फंसे पेच के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के हल्ला बोल पर कटाक्ष किया है। जब हमारी सरकार थी तो तीसरे मंजिल पे प्रेशर से पानी आता था, एक भी व्यक्ति एक भी नागरिक शिकायत नहीं कर रहा था और इन दो महीनों में ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पर तीन मंजिल तो दूर है, नीचे ग्राउंड लेवल पर भी पानी नहीं आ रहा है। वसुंधरा जी की सरकार, वसुंधरा जी की सरकार के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने, किसी एमएलए ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हमने इस सरकार ने आते ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सारे मंत्री थे और उस मीटिंग में कंटिजेंसी प्लान बनाया सबसे पहले पानी का पूरे स्टेट में, और इस सरकार ने कभी कंटिजेंसी प्लान की मीटिंग ही नहीं की, काम ही नहीं किया। भले ही पानी पर सियासत जारी हो लेकिन इस सच को नकारा भी नहीं जा सकता कि भीषण गर्मी में मरुधरा पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वरना आम आदमी तपती धूप में प्रदर्शन के लिए घरों से क्यों निकलता, क्यों महिलाएं जलदाय विभाग के चक्कर काटती और क्यों एक एक बूंद पानी के लिए हफ्तों तक का इंतजार लोग करते। वैसे तो खुद सीएम अशोक गहलोत पीएचईडी के साथ बैठक कर इस समस्या के समाधान के लिए निर्देशित कर चुके हैं लेकिन सरकार को अब कोई ना कोई हल जल्द निकालना ही पड़ेगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।